वेलकम अगेन फ्रेंड्स। और हम लोग अब जा रहे हैं गायत्री परिवार यानी शांति कुंज। हाँ, तो हम लोग तैयार हो गए हैं और देख लीजिए हमारा लुक आज का। माता रानी चाह रही थी तो हम लोग जाएँ। ये देखिए दीदी का पूरा लुक देखिए। और जो है सब राधे बने हैं आज महाकाल। तो फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों को आज मैं आप लोगों को जो है शांति कुंज के दर्शन कराऊंगी। और जहाँ भी मंदिर जाएंगे हम लोग, क्योंकि आज का दिन भी हमारे पास है थोड़ा टाइम। और शुभ भी तैयार हो गया, शुभ का मेयर। तो शुभ देखिए आज शुभ ने ये वाला कुर्ता पहना है। जय महाकाल। और नीवी भी तैयार हो गई। नीवी कम ईयर। तो हमारी नीवी देखिए बोलो जय माता दी। सभी लोग तैयार हैं, आओ दीदी। तो ये देखिए हमारी दीदी भी तैयार हैं, सब महाकाल के कुर्ते पहन के तैयार हैं। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय महाकाल। और दिखाते हैं कौन कौन पहना है। तो हम लोग आ गए हैं शांति कुंज हरिद्वार। तो शायद जो है माता रानी चाहती थी कि हम लोग यहाँ पे भी दर्शन करें, इसी वजह से हम लोग का ट्रेन का टिकट कैंसिल हो गया था। तो ये देख सकते हैं आप लोग। हाय, और कहाँ घुमाने वाले हो आज भाई? गायत्री माता का तीर्थ कराने आए हैं आपको। भाई कह रहे माता रानी चाहती थी कि हम लोग यहाँ दर्शन करें, इसीलिए ट्रेन का टिकट कैंसिल हो गया, क्योंकि जो है हम लोग कल नहीं आ पाए, देर हो गई थी। तो आज हम लोग यहाँ दर्शन, बस इतने लोग आए हैं, कुछ लोग रूम पे भी हैं क्योंकि थक गए हैं। हाँ, आठ लोग आए हैं, तीन लोग घर। और सबका आज जो है पोशाक देख लीजिए। बेबी दीदी तो आगे आगे जा रही है, उनको दिखाते हैं हम कैसे। तो ये है हमारी बेबी दीदी, देखिए सब एक ही लुक में है, सब एक ही लुक में है। मतलब हाँ, अरे आज हम आपको भूल के बताना कि आज मेरे भाई का बर्थडे है। तो आज भाई का बर्थडे हम लोग यही सेलिब्रेट करने वाले हैं हरिद्वार में ही। और अभी फिलहाल तो घूम लेते हैं, पार्टी बाकी है। वैसे रात में भाई ने हम लोगों को पार्टी दे दी थी, डिनर पार्टी दी थी और प्लस बाद में आइसक्रीम पार्टी दी थी। तो फिलहाल अभी हम लोग चलते हैं, दिखाती हूँ मैं आपको यहाँ का नज़ारा। हाँ कर रहे हैं, ये देखिए ये है, बहुत सुंदर बना हुआ है ये। और यहाँ पे लोग रुकते भी हैं और ऐसे घूमने भी आते हैं। आज हवा भी बहुत चल रही है। हाँ जी, तो वहाँ पे एंट्री होती है आधार कार्ड के साथ। मतलब कोई भी फैमिली मेंबर एक एंट्री करा देगा अपने आधार कार्ड के साथ, और फैमिली मेंबर्स की जो काउंटिंग है वो लिखवा देगा कितने लोग हैं। तो वहाँ पे अमित एंट्री कराने गया है, हम लोग यहाँ खड़े वेट कर रहे हैं अभी। तो हम लोग पूरा जो है दर्शन कराने वाले हैं आपको। हाँ भाई, आम नहीं है ये, कुछ और लगा है। बहुत सुंदर सुंदर पेड़ भी है यहाँ पे। ये देखिए गायत्री माँ, यहाँ पे लोग रहते भी हैं, बाहर से आते हैं वो लोग भी, यहाँ रूम लेके रहते हैं और रहते भी हैं यहाँ, परमानेंट भी लोग रहते हैं। कैसे देखे? नहीं भाई, जो ज्ञान दे लेते हैं। ये देख सकते हैं आप लोग, ये बहुत बड़ा आश्रम है, ये बहुत बड़ा पतंजलि भवन। यहाँ पे यज्ञ वगैरह होते हैं। ये यज्ञ है तो दीदी, यहाँ पे यज्ञ होते हैं। जय करो बेटा,
गायत्री मंत्र पढ़ो। ओम भूर्भुव स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। क्या हो गया दीवी, क्या हुआ? पूछ रही तो नीचे उतरो, गोदी क्यों चढ़ी हो? हैं बता रही हूं, क्या करेंगे, क्या चीज़? अच्छा कोई बता रहे। संस्कार प्रकोष्ठ अनुदान काउंटर वेद माता गायत्री मंदिर। अच्छा ये है गायत्री मंदिर। आज का सुविचार पढ़ लीजिए आप लोग। दूसरे के छिद्र से पहले अपने छिद्रों को टटोलो। किसी और की बुराई करने से पहले यह देख लो कि हम में तो कोई बुराई नहीं है। यदि हो तो पहले उसे दूर करो। दूसरों की निंदा करने में जितना समय देते हो उतना समय अपने आत्मकर्ष में लगाओ। तब स्वयं इससे सहमत होंगे कि पर निंदा से बढ़ने वाले द्वेष को त्याग कर परमानंद प्राप्ति की ओर बढ़ रहे हो। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। गायत्री माता मंदिर। भटका हुआ देवता। जय जय गायत्री। क्या हुआ देवता दीदी? क्या है ये? जय गुरुदेव। विश्वामित्र मित्र टीन शेड शाद तर्पण संस्कारों के यहाँ पे शाद वगैरह ग्रस्त एक योग साधना। निवी क्या पढ़ रही हो? नहीं बताओ। वो बहुत बड़ा आश्रम है और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। एकदम शांति का माहौल है, सुकून का माहौल है। तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, आगे देखते हैं क्या क्या है। फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहती हूँ। जब मैं छोटी थी, मैं मतलब जब अपने मम्मी पापा के पास रहती थी, तो मैं फिफ्थ क्लास में पढ़ती थी, मतलब फर्स्ट क्लास से फिफ्थ क्लास तक मैं धामपुर में रहती थी। तो धामपुर यहाँ से पास ही है, कुछ ही किलोमीटर दूर है, मुझे आइडिया नहीं है, आई थिंक 100 किलोमीटर वगैरह होगा। तो जिस स्कूल में मैं पढ़ती थी वो शांति कुंज हरिद्वार वालों का ही था, शांति कुंज वालों का। तो वहाँ से मैं एक बार पिकनिक आई थी, आई थिंक 3rd-4th क्लास में थी, तो पिकनिक आई थी, तो यहाँ पर आई थी, तब मैं यहाँ पे आई थी। और लास्ट ईयर जब हम लोग हरिद्वार आए थे तब यहाँ पे आए थे। तो मैं 3rd time यहाँ पे आ रही हूँ। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे, बहुत एक साथ यज्ञ वगैरह होते हैं सामूहिक, तो बहुत सारी यादें भी जुड़ी हैं यहाँ से मेरी। मेरे भाई चल रहे हैं आज बर्थडे बॉय, हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। अच्छा लगा ना आज बर्थडे के दिन, कितना अच्छा मतलब पुण्य समझो प्राप्त हुआ। पहले गंगा स्नान किया सबसे पहले,
हरिद्वार था, देवभूमि पे हो बर्थडे के दिन, और आज इतना अच्छा मंदिर में दर्शन भी कर, बहुत सौभाग्यशाली हो, बहुत ज़्यादा, मतलब हम सभी लोग हैं फिलहाल। तो हम लोग यहाँ पे चल रहा है भंडारा, लंगर वगैरह, तो हम लोग भी थोड़ा प्रसाद ले लेते हैं, तो यहाँ से प्लेटें वगैरह ले लेंगे। यहाँ की सबसे अच्छी चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे जो है स्वयं सेवा होती है, खुद से अपने बर्तन उठाओ और खुद से भोजन मिलेगा और खा के, और जितना खाना उतना, ये तो नियम ही है, जितना खाना उतना ही लेना चाहिए, यहाँ पे देते ही उतना है, और उसके बाद खुद से अपने बर्तन धो के अच्छे से रखते हैं। तो यहाँ का ये नियम बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो खा लेते हैं प्रसाद। ये देखिए भंडारा चल रहा है, पूरा दिन ऐसे चलता रहता है फ्रेंड्स। यहाँ पे बहुत साफ सफाई से खिलाते हैं, अभी मैं दिखाती हूँ भंडारे में क्या क्या है। तो यहाँ पे बराबर देखिए सफाई का काम भी चल रहा है, बहुत साफ सफाई है, पूरे पूरे आश्रम में बहुत साफ सफाई है। और अब हम लोग बैठ गए हैं खाने के लिए, ये देख सकते हैं आप लोग। दीदी दीदी कैसा लग रहा है? बेबी दीदी कैसा लग रहा है? आंटी आप बताइए। दीदी शुभ आपको कैसा लग रहा है? इधर कैसा लग रहा है भाई? हाँ दीदी कैसा लग रहा है? अच्छा। मुंह बना के बोल रही है। देख सकते हैं आप कढ़ी, सब्जी, चावल, रोटी और साथ में लस्सी, और भी कुछ आएगा, तो यही है यहाँ का प्रसाद, हम लोग खा लेते हैं। तो प्रसाद वगैरह हम लोगों ने खा लिया, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा ना? और यहाँ पे देखिए कितने अच्छे अच्छे पेड़ लगे हैं, बहुत अच्छे अच्छे पेड़ लगे हैं यहाँ पे। और वो जाना पता नहीं कितने लोग, लाखों लोग आते हैं यहाँ पे और इसी तरह से जो है लंगर खाते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है बहुत, और एकदम शांति का वातावरण है यहाँ पे। इतने लोग हैं तो भी देखिए इतनी आवाज़ें नहीं आ रही हैं। ये नौ ग्रह के पेड़ लगे हैं सर, शमी का, खैर का, दुर्गा, पता नहीं क्या क्या है, नवग्रह, वाटिका। और ये देखिए कितना सुंदर झरना है, वाओ बहुत सुंदर है ये। और ये है सरस्वती का दिग्दर्शन, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, दिल को बहुत सुकून मिल रहा है। एक तो गर्मी है और ऊपर से पानी तो उतना अच्छा लगता है यहाँ पे। और बच्चे बहुत खुश हैं हमारे यहाँ के, जितनी थकावट थी यहाँ इन लोग की सब दूर हो गई। आय से अधिक खर्च करने वाले तिरस्कार करते हैं और कष्ट भोगते हैं, तो बहुत अच्छे अच्छे कोटेशन लिखे हैं यहाँ पे। पढ़ना तो बहुत मुश्किल है, सारे दूसरों के साथ वैसा ही उदारता बरतो जैसी ईश्वर ने तुम्हारे साथ करती है। तो ये देखिए फ्रेंड कितना अच्छा झरना है और बहुत अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे शांति कुंज हरिद्वार में एक ऐसा कमरा भी है जहाँ पे लोग शांति की तलाश में बैठते हैं, यानी कि बहुत शांति रहती है, जिसका मन उदास हो या कोई भी परेशानी हो इस रूम में बैठ जाए आके तो बहुत मन शांत होता है। तो यहाँ पे पहाड़ बनाए गए हैं, पूरा केदारनाथ, बद्रीनाथ सब दर्शन कराए गए हैं यहीं पर, और यहाँ पर लोग बैठे रहते हैं इसी तरह, और इतनी शांति रहती है यहाँ पर कि अगर एक सुई भी गिरे तो आवाज़ आती है, और यहाँ पे इसी तरह सब बैठे रहते हैं जितनी देर मन करे, बस शोर नहीं मचाना है। तो यहाँ पे तो मैं बोल नहीं सकती थी इसीलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए। और यकीन मानिए फ्रेंड्स बहुत शांति मिलती है इस जगह पे आके, बहुत ही ज़्यादा, जैसे दिल्ली के लोटस टेम्पल में। तो फ्रेंड्स बहुत अच्छा लगा हम लोगों को, बहुत शांति थी अंदर वाले रूम में,
कोई भी गिरे तो आवाज़ आती है। हम लोगों ने पूरा दर्शन कर लिए हैं और हम लोग एग्जिट कर रहे हैं यहाँ से, क्योंकि 2 घंटे का टाइम लिमिट होती है अंदर, बाहर एग्जिट करनी है। अभी हम लोग यहाँ से चलते हैं और देखते हैं कहाँ जाते हैं। आगे है भारत माता मंदिर, अभी देखते हैं टाइम होगी, कुछ टाइम होता है हम लोग के पास।